जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त तकरीबन 7 बज रहे हैं और चिलिंग सा माहौल है और ठंडा, और आई एम हैविंग कप ऑफ टी। तो ठंड में गरम गरम चाय का मज़ा ही अलग है। एनीवेज कोशिश ही होती है कि सुबह मैं जल्दी उठूं और हल्की फुल्की सी वॉक करूं। कभी उठता हूं कभी नहीं उठता, लेकिन कोशिश ही होती है कि जो है ना वो जल्दी उठूँ, जिस तरह आज मैं उठ गया हूँ। एनीवेज थोड़ी वॉकिंग करनी है तो चलते हैं वॉकिंग के लिए। ये रोड है इस वक्त मेरे घर के सामने वाली, एक बंदा ही वॉक कर रहा है फिलहाल, एक भाई साहब वॉक कर रहे हैं। अभी थोड़ी वॉक कर लेते हैं, थोड़ी रनिंग कर लेते हैं। ये कैमरा जिससे मैं बना रहा हूँ ये गोप्रो है, और मुझे मोबाइल से मुझसे बाहर आया नहीं जाता, और जो दूसरे वाले कैमराज हैं उनकी जो है स्टेबलाइजेशन का मसला होता है। तो ये गोप्रो मैंने इसी वजह से लिया था कि वंस यू आर वॉकिंग या आप रनिंग कर रहे हैं तो इसकी स्टेबलाइजेशन बड़ी अच्छी होती है। अभी वॉकिंग अभी भागा हूँ मैं, तो देखते हैं जब वीडियो में कैसी इसकी स्टेबलाइजेशन आती है, लेकिन इट्स अ गुड कैमरा। खाली है, खूबसूरत, बेहतरीन। ये देखिए ये क्रिकेट है और सेक्शन में बास्केटबॉल। तकरीबन 6:30 बजे सूरज निकलता है, तो उस वक्त 7 बज रहे हैं। यू कैन सी अभी पूरा ट्रैक है। अच्छा, कराची में ट्रैक्स हैं वॉकिंग के, इस लेवल के नहीं हैं। हम डिफरेंस देखते हैं। ये उसकी दूसरी साइड, खूबसूरत है। हाँ जी, अच्छा, एक कहते हैं कि भाई आप जल्दी सोएं और आप जल्दी उठें। इवन यार, अगर आपके पास, मेरी अपनी खैर परसेप्शन ही है, मैं कोई वो तो नहीं हूँ, बात कर रहा हूँ बस मैं कि आप इवन लेट सो भी रहे हैं तो अगर आपके पास डिटर्मिनेशन है तो आप जो है वो सुबह उठेंगे हर हालत में, राइट। मैं इसकी मिसाल इस तरह लेता हूँ कि यार मैं एट टाइम्स फ्राइडे और सैटरडे वाले दिन मेरी छुट्टी होती है, तो एट टाइम्स चूँकि क्रिकेट का शौक़ है मुझे, तो मैं फ्राइडे वाले दिन अगर मैं रात में 2 बजे भी सो जाऊँ तो सुबह 6 बजे मैं उठ ही जाता हूँ मैच के लिए। और होता भी है, एक्साइटमेंट भी होती है, और उठता हूँ, फ़ौरन उठता हूँ बिस्तर से ना। तो आप, ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप रात में जल्दी सोएँ और जल्दी उठें, वो तो बेस्ट है। लेकिन इवन अगर आपके पास, इफ़ यू हैव एनी डिटर्मिनेशन, तो वट एवर द केस यू विल डू इट, आप जल्दी ही उठेंगे लाजमन। तो ये जो है ना, ये वाली चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये सिर्फ बाकी सारे कामों में भी है। अर्ली राइज का इस वजह से क्योंकि अमूमन हम जल्दी नहीं उठ पाते फॉर सम रीज़न, तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम जल्दी उठें। और सुबह का जो टाइम है वो मैं एक पूरी वीडियो देख रहा था, उसके अंदर कह रहे थे कि अगर आप 5 बजे से काम कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर 2 आवर्स अहेड फ्रॉम अदर्स, दैट मीन्स 4 मंथ्स आफ्टर 6 मंथ्स यू आर अहेड विद डिफरेंट पीपल। कंपेरेटिव एक स्टडी है, तो 4 महीने बहुत होते हैं किसी काम को अचीव करने के लिए, किसी काम को एक अच्छे
एक अच्छे जगह तक पहुंचाने के लिए कोशिश करता भी हूँ और कहता भी कि भाई जल्दी उठे चले बैक टू वॉक। हाँ जी, ये पीछे का व्यू होगा अगर तो नज़र आ रहा है। सही, आई एम ऑलमोस्ट रीचिंग टू होम। हाँ जी, घर आ गया हूँ मैं। तकरीबन 30 मिनट्स की वॉक थी है। और अगेन एनर्जी जो है ना मैं फील कर रहा हूँ। जो आखिरी चीज़ मुझे कहनी थी वो ये कि ये एक हदीस भी है हमारे उसमें कि अल्लाह ताला जो है खुश होता है उस काम से जो कंसिस्टेंसी के साथ किया जाए, इवन कम किया जाए। कंसिस्टेंसी जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे किसी भी काम को करने में। और उस काम में एक तो बरकत भी रहती है और एक काम आप डिसिप्लिन के साथ ऑन अ डेली बेसिस कर रहे हो तो वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि वो काम कि जो आपने एक दिन जज्बात में आके कर लिया और फिर आप 5-6 दिन वैसे ही बैठे रहे। तो मैं यही कहूँगा और मकसद बनाने का वीडियो भी यही है कि मैं ख़ुद इस वीडियो को देखूँ और मोटिवेशन जो है ना लूँ कि टू बी कंसिस्टेंट। चाहे आप सुबह के लिए उठ रहे हैं चाहे और काम है, कंसिस्टेंट के साथ करें। तो खैर एनीवेज, ये थी वॉकिंग, तकरीबन आधा घंटे की वॉकिंग है मेरी। अब जो है वो चाय और पराठा। ठीक है, चलें। जी ये मेरा चाय पराठा।